अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको मॉइस्चर एनालाइजर के बारे में बताऊंगा कि अगर कोई फॉल्ट हो तो किस तरह चेक करेंगे उसे, बेंच टेस्ट किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये इसके पावर सप्लाई है दोस्तों, इसके अपने साथ सप्लाई होते हैं जो कि इसकी पावर सप्लाई है। ये इसके गेज यूनिट है दोस्तों, मैं इस गेज यूनिट को डिसमेंडल करूँगा, डिसमेंडल करके देखूँगा कि इसके अंदर क्या मसला है, क्यों ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, गेज डिटेक्ट नहीं कर रहा था, इसके अंदर ये खराबी थी दोस्तों। तो ये गेज को मैं डिसमेंडल करूँगा, इसका तरीकाकार देख लें दोस्तों। आप अगर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें दोस्तों। तो ये देख लें दोस्तों, ये मैंने इसको डिसमेंडल कर दिया है। ये देख लें, इसके अंदर ये कनेक्टर है दोस्तों, ये कनेक्टर जो है ये शॉर्ट था, इसके कनेक्टर को मैंने चेंज करना है। ये कनेक्टर को यहाँ से आप इस तरीके से खोलेंगे, खोल के देखेंगे दोस्तों, सही है। ये देख लें दोस्तों, ये मैंने इसको यहाँ से डिसमेंडल कर दिया है इस कनेक्टर को। ये देखें, ये इसका कनेक्टर है, ये कनेक्टर जो कि शॉर्ट था, जिसकी वजह से ये गेज के साथ ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, एरर दे रहा था ये दोस्तों, ठीक है ना। ये देखने, ये इस जगह पे ही लगा हुआ था, ठीक है। तो अभी मैंने जो कि इसे बेंच टेस्ट करना है, चेक करना है, ये फिर बाद में मार्केट से परचेज करके हमने लेके इसे इंस्टॉल करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने अर्जी तौर पे ये केबल लगा के इसे शील्ड कर दिया है ताकि मैं इसको चेक कर लूँ बेंच टेस्ट कि और कोई ख़राबी तो नहीं है इसके अंदर इसके अलावा, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने डिसमेंटल करके इसके डिस्प्ले यूनिट भी इसके साथ रखा है और गेज यूनिट को भी मैंने इसके साथ रखा है जो कि मॉइस्चर को सेंस करता है, ठीक है ना दोस्तों। ये मॉइस्चर को सेंस करता है दोस्तों, किसी भी चीज़ पे ड्राई पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके अपने मॉइस्चर चेक करना हो कि इसके परसेंटेज क्या है मॉइस्चर की इसके अंदर, तो वो आप इसके ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये मॉइस्चर एनालाइज़र कहलाता है, मॉइस्चर एनालाइज़र है दोस्तों, ठीक है ना। ये देख लें, ये मैंने आपको अब ये पावर अप करूँगा दोस्तों, इसका पावर अप करके हम देखते हैं इसको क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखें, ये मैंने पावर अप कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये पावर अप कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। पावर अप के बाद ये देख लें दोस्तों, ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है ना, ये अभी लोडिंग कर रहा है। लोडिंग करने के बाद ये देखते हैं दोस्तों ये क्या बताता है, ठीक है ना दोस्तों। ये दोस्तों ये अभी लोडिंग कर रहा है अपने आप को, जो भी इसके अपने पैरामीटर्स हैं इसकी, ये लोडिंग टाइम है, ठीक है ना दोस्तों। लोडिंग के बाद हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो ख़राबी थी वो दूर हुई या नहीं हुई, क्योंकि पहले ये बता नहीं रहा था, गेज के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है दोस्तों। ये मेरा फॉल्ट सही हो गया दोस्तों, ये देखें गेज ओके का मैसेज आ गया दोस्तों, इसमें गेज ओके का मैसेज दे दिया। इसके मकसद है कि हमारा इस कनेक्टर के अंदर ही ख़राबी था, इस कनेक्टर को हमने जो चेंज किया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसे अच्छे बेंच टेस्ट करके देख लेते हैं, सैंपल टेस्ट करते हैं दोस्तों, एक दो सैंपल के साथ हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है या कोई ख़राबी तो नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसके लिए दोस्तों हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो कोई भी ड्राई पाउडर की ज़रूरत होगी दोस्तों, इसे चेक करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देख लें दोस्तों, ये इंडिकेशन ओके का दे रहा है, सब कुछ सही है इसके। अब हमने इसके नीचे सैंपल रख के टेस्ट करना है, कोई भी ड्राई पाउडर हो, ड्राई मिल्क हो, डिटर्जेंट पाउडर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो दोस्तों, हमने वो रख के इसे टेस्ट करना है। तो हमने दोस्तों इसके अंदर ये पाउडर रख के टेस्ट करना है, ये देख लें दोस्तों ये पाउडर है, ये पाउडर को रख के हम देखते हैं दोस्तों कि ये क्या बताता है, गेज हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा दोस्तों। ये पाउडर को थोड़ा सा लेबल करना होता रखने के बाद ताकि इसकी रीडिंग इक्वल आए, ठीक है ना दोस्तों। ये आपने इस तरीके से लेबल कर लेना है, कोई भी पाउडर हो, ड्राई मिल्क हो, डिटर्जेंट पाउडर हो, ठीक है ना दोस्तों। और आपने इसकी ये गेज के नीचे रखना है इसको पाउडर को, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी रीडिंग हुई देखें दोस्तों, ये 13.58 दे रही है, ये दोस्तों इसका मॉइस्चर है, इस पाउडर के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर को इसने सेंस किया, सेंस करके दोस्तों इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। ये इसने ये बताया है कि इस पाउडर के अंदर मॉइस्चर जो है वो 30.58 है, ठीक है,
ये इस पाउडर के अंदर मॉइस्चर है, ठीक है दोस्तों। इसका बेंच टेस्ट करने का यही तरीका है दोस्तों कि बेंच टेस्ट करके आप चेक कर लें, इसको देख लें कि आया ये हमारा गेज सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है तो इसे बहुत ही एहतियात तरीके से हम डिसमेंडल करते हैं, करके हम इसे चेक करते हैं बेंच पे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपने देख लिया कि इसने पाउडर का जो भी मॉइस्चर है वो इसने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पासवर्ड के ज़रिए हम इसके कैलिब्रेशन मोड में जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये कैलिब्रेशन मोड में जाके दोस्तों हमने इसे कैलिब्रेट करना है, इसके सैंपल के लिए हेड को भी कैलिब्रेट करते हैं, हाइट को, इसके हाइट को और सैंपल को कैलिब्रेट करते हैं। उसका तरीक़ाकार देख लें दोस्तों किस तरीके से करते हैं, ये देख लें दोस्तों, बिल्कुल वाजे तौर पर मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से हम इसे कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने का ये तरीका आप देख लें, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, ये सैंपल के जो हमने कैलिब्रेट करना है उसका ये टाइमिंग है, ये देख लें, ये इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हमने ये इसकी हाइट को कैलिब्रेट करना है कि कितने हाइट से इसने सैंपल को सेंस कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इसके भी तरीक़ाकार देख लें दोस्तों, ये जो भी सैंपल है वो आपने इसके नीचे रखना है, रख के इसे ये कैलिब्रेट करना है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि सैंपल को अब रिमूव कर लें, ठीक है ना दोस्तों। आपने जो पाउडर इसके नीचे रखा है मॉइस्चर चेकिंग के लिए, सैंपल को अब रिमूव कर लें दोस्तों। उसके बाद आपने इसके ओके प्रेस कर देना है दोस्तों, ठीक है। ये हाइट कैलिब्रेशन आपका जो है ये डन हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप बैग जाएंगे, ठीक है ना। बैग जाके दोस्तों आपने दोबारा इसके नीचे पाउडर को रख के देखना है दोस्तों कि रीडिंग क्या दे रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये देख लें, ये तकरीबन 13.68 दे रहा है दोस्तों। इसका मकसद है कि हमारा ये मॉइस्चर एनालाइजर जो है अब ये सही काम कर रहा है, जो इसमें खराबी थी वो खराबी दूर हो गई, ठीक है ना दोस्तों। पहले ये गेज को सेंस नहीं कर रहा था, गेज को ये अपने साथ कनेक्ट नहीं कर रहा था। इसके गेज के साथ कनेक्शन ना होने की वजह से इसे हमने बेंच पे ओपन किया, ओपन करके चेक किया, चेक करने पे हमें इसका कनेक्टर के अंदर ख़राबी मिला। हमने इसका कनेक्टर की जगह डायरेक्ट केबल लगा कर भी बेंच टेस्ट करके इसे हम देख रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है दोस्तों। आप मज़ीद चेक करने के लिए कोई कपड़े को गीला कर लें दोस्तों, कोई गीले कपड़े को देखें, ये कपड़े को मैंने गीला कर दिया पानी से, गीला करके भी आप कपड़े को चेक कर सकते हैं कि इसकी रीडिंग के अंदर वेरिएशन आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना दोस्तों। अभी ये 12.58 दे रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब इस कपड़े को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लें कि इसकी रीडिंग को चेंज होनी चाहिए। ये देख लें दोस्तों, इसकी रीडिंग तेज़ी से चेंज हो रहा है। इसका मकसद है कि इसकी सेंसिंग की जो सिस्टम है वो काम सही कर रहा है। ये देख लें दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल इसके जो है ना सेंसिंग को बिल्कुल करीब लेकर गया हूँ ताकि सेंस करे, ठीक है ना दोस्तों। ये इसके जो तरीक़ाकार है यही तरीक़ाकार है दोस्तों इसको बेंच टेस्ट करने का, जो तरीक़ाकार मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है ना दोस्तों।